आपका स्वागत है। जनता हमारे सामने है, किस तरीके से मुद्दे हैं फिरोजाबाद के अंदर, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ हमेशा नेता वादे करते हैं, क्या पूरे हुए? मैं एडवोकेट अमित का जिला महासचिव आम आदमी पार्टी से। देखिए, मैं बिल्कुल एक ही शब्द में कहना चाहूँगा, भाजपा ने स्वयं सिटिंग मेयर का टिकट काटकर ये साबित कर दिया कि मेयर साहिबा भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर तो उन्होंने दोबारा राठौर को टिकट दिया। लेकिन जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया लगातार तीन बार हैट्रिक बनाकर और दो बार विधायक ले ले, तो उन्होंने नूतन राठौर जी को दोबारा क्यों नहीं दिया? तो ये स्वयं जीता जागता इस बात का है कि उनकी पार्टी ने इस बात को मान लिया कि हमारी मेयर ने भ्रष्टाचार किया, कोई भी विकास कार्य नहीं किया, और ग्राउंड लेवल पर जो उनकी रिपोर्ट ऊपर तक गई उसने साबित कर दिया, इसलिए टिकट दूसरे प्रत्याशी को दी गई। आरोप लगा है मेयर ने भ्रष्टाचार किया, क्या लगता है वाकिया? क्यों नहीं, इनके मुंबई में करोड़ों के फ्लैट जो पाए गए थे, अगर ऐसा होता, ईमानदार होती मेयर साहिबा, तो असीजा जी की तरह बीजेपी उनको दोबारा टिकट देके उनके दम पे उनके विकास कार्यों पे चुनाव लड़ सकती थी, पहली बात। एक और बात रखना चाहूंगा, उन्होंने बात की दिल्ली की छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ के फिरोजाबाद के निगम के स्कूल, निगम के अस्पतालों का हाल मैं आपको दिखा दूं। और स्कूल की बात करते हैं, एमपी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 सालों में 65,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। किस बात की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक और बताऊं मैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से केजरीवाल पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि बंगले बनाए हैं कोरोना काल में, क्या लगता है आपको? मेरे बड़े भाई ने भी कहा था आरोपों का सिलसिला बना रहेगा, ये आरोपों का सिलसिला आम आदमी पार्टी पर लगता रहेगा, मगर साबित करना इनके बस की बात नहीं। किस तरीके से आम आदमी, अब मैं फिरोजाबाद पे फिर आता हूँ, ये छोड़ दीजिए, मुद्दा है फिरोजाबाद के स्मार्ट सिटी का। आज तक मैंने सची जाएगी के अलावा किसी भी विकास पुत्र नहीं साबित हुआ। इतना पैसा आने के बाद हाजीपुरे में अगर दो बूंद पानी गिर जाए ना तो कमर तक पानी भर जाता, इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वहाँ मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम है, इसलिए नहीं किया गया, क्यों नहीं निवारण किया गया, हम ये पूछ रहे सवाल का। दूसरा सवाल, हमारे जितने भी कांग्रेस कहाँ तक बांधती है आपका प्रत्याशी चुनाव? मैं पहले तो ये कहूंगा कि जितनी भी अभी डिबेट में सवाल आए उन सवालों पे हमारे अंधभक्तों ने बहुत कुछ कहा कि 10-15 मिनट के अंदर छठवीं मंजिल में पानी की टंकी भर जाती है। अफसोस इस बात का कि आज भी तरस रहे टैंकर खड़े हैं लोगों के यहाँ और पानी भर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि तिलक नगर हो, चाहे आर नगर हो, चाहे गांधी नगर हो, सुहाग नगर हो, चाहे जैन नगर खेड़ा हो, सब में सीवर युक्त पानी मिल रहा है। तो आज हमारे वाचमन के लिए तक पानी नहीं है और इतना गंदा पानी पिलाया जा रहा है। 10 करोड़ आए थे मनीष सिसोदिया जी के टाइम में, वो सड़क बनने के लिए आए थे, 10 करोड़ के बारे में जाँच क्या हुई? देखिए, जिस तरीके से बात चल रही है पानी की, ये बात सही है कि बदबूदार पानी आ रहा है, ठीक है ना, बदबूदार पानी आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बाट लगी हुई है, किसी तरह की कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये रही कि जो संविधान है बिल्कुल ताक पर रख दिया है, संविधान का कोई भी पालन नहीं हो रहा है, ना तो निचले स्तर से लेके ना उचले स्तर तक। आज अगर माना जाए तो संविधान को बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया गया है, जिस तरीके से वो लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं उसी तरीके से सामने वाले की, चाहे वो बीच दिन में हो या रात में हो, हत्या कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा देने का, सजा देने का काम, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना नजरिया है कि किसी अपराधी को अगर उसके साथ कोई अपराध हो जाता है तो अपराध थोड़ी कहा जाता है, ये तो अपना सोचने का बात है अपनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को फिर याद में विकास नहीं दिख रहा, और भाई विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और वहाँ विकास दिख रहा है हमारे आम आदमी पार्टी के भाई को, जहाँ 8 लाख रुपया का पर्दा लग रहा है, 45 लाख रुपए पर्दे। रामराज की बात कहते हैं, क्या रामराज है यहाँ पे? रामराज तो इस तरीके से बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो चुका है कि माफिया गुंडे बिल्कुल जमीन के अंदर है, और अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी पूरे पूर्वांचल में, आज मात्र 3 लड़कों ने उसका मर्डर कर दिया और लाइव किया, वो लोग शांत हो गए। बाबा जी सरकार में आज कहीं बहन बेटी सुरक्षित रात के बारे में जा सकती है किसी भी समाज की, उसके अलावा बाबा जी सरकार में कोई व्यापारी किसी भी क्षण जा सकता है कहीं पे। मुद्दा तो ये है, सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति की सुरक्षा। आज कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सुबह के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, वे खुद का होके, बेखौफ होके आराम से अपने घर जा सकता है। पहले अराजकता का इतना माहौल था कि 10 बजे के लगभग आदमी सड़क पर चलने में खुद को असुरक्षित महसूस करता था। कांग्रेस कह रही है पानी नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूँ, 70 सालों में ना देश में लूटने का कार्य किया, और मैं इनसे बताना चाहता हूँ आदरणीय साहब को, बगी साहब को, कि ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा चुनाव नहीं है, ये लोकल की सरकार है, शहर की सरकार, तो लोकल के मुद्दे पे कोई मुद्दा है नहीं, तो लेबल आके
राष्ट्र का मुद्दा, फलाना मुद्दा, ऑक्सीजन का मुद्दा, ये मुद्दा, मुद्दे पूरे खत्म हो चुके हैं इनके, तो पप्पू भैया की सस्ता ही खत्म हो चुकी है। लोकल के मुद्दे कहाँ हैं? देखिए लोकल में मुद्दे जनता का या क्षेत्र का विकास हो रहा है, नई आबादी बढ़ी है और आगे बढ़ने की संभावना है, तो समस्याएं तो रहेंगी और विकास भी चलता रहेगा। हाँ, लेकिन जो इसमें लोगों की जो महत्वाकांक्षा रहती है वो पूरी नहीं हुई है, विकास की और आवश्यकता है कई क्षेत्रों में भी, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं लोग अधिकारियों के प्रभाव में, नेताओं के प्रभाव में कुछ क्षेत्रों में विकास रह जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास की अभी बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार नई आबादी बढ़ रही है, पानी की समस्या के बाद कितना बदलाव हुआ, जिस तरीके से सुहाग लग रही है, देश विदेश में इसकी पहचान है, क्या लगता है वाकई ऐसा मॉडल जो सोचा था वो बना है? देखिए प्रयास निरंतर जारी है, आज भी जारी है, और ये नहीं कहेंगे कि कोई कार्य नहीं हुआ। जो आप कह रहे हैं मॉडल बना है, हाँ, हमारे फिरोजाबाद की पहले से ही पहचान थी, हम तो जब पढ़ते थे तभी इसको किताबों में पढ़ा हमने कि ये शहर है। और रहा मॉडल की बात, तो पहले से बहुत विकास हो चुका है हमारे यहाँ पर, कैंसर हॉस्पिटल जैसी, जो पूरा आपने देखा होगा जब आप इधर आए होंगे, तो कैंसर हॉस्पिटल फिरोजाबाद में बनने जा रहा है। हमारे यहाँ दो दो ट्रॉमा सेंटर्स हैं, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है। इसके अलावा जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि जो मॉडल की हम लोग कोशिश या उम्मीद कर रहे हैं वो जल्दी ही दिखाई देगी। क्या लगता है नेताओं ने जो वायदे किए हैं वो पूरा हुआ है इन 5 सालों में? 5 सालों में आप अगर ये कहेंगे, अगर आप मार्किंग की कहें तो हम तो 50% की मार्किंग जरूर देंगे, और 50% मैं कहती हूँ बहुत है, बहुत है, क्योंकि जहाँ बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था, अगर 50% भी कोई प्राप्त करता है उद्देश्य, तो मैं उसे सकारात्मक ही मानती हूँ। लेकिन अभी भी अगर आप कहें कि हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी संतुष्टि नहीं है, क्या लगता है कौन कौन सी और विकास की जरूरत है इस क्षेत्र का? बहुत सारे विकास की जरूरत है, मोस्टली हमारी लड़कियों को, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब फिरोजाबाद शहर लड़कियों के लिए मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए, जो लड़कियां आजकल ये फिरोजाबाद छोड़ के बाहर पढ़ने जा रही हैं, और मैं ये चाहती हूँ फिरोजाबाद का नाम, मैं बाहर से लड़कियां फिरोजाबाद यहाँ पढ़ने के लिए आए। पहली फेर महिला, दूसरी मेल, फिर आपको दी, तो क्या लगता है क्या महिलाओं के लिए कितना सोच रही सरकार, क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो नहीं सोच रही है, क्योंकि जो आज के टाइम में टिकट ना मिलने पर उज्ज्वला जी जो अपने बल पर उतरी हैं, मैं उनकी तरफ आगे बढ़ूंगी। उज्ज्वला जैसा कोई भी काम नहीं कर सकता है, उनको मैंने बचपन से देखा है, बचपन से हम साथ में थे, तो इसीलिए मैं वोट फॉर उज्ज्वला। वोट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ जो फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है कि फिरोजाबाद में कितना विकास की जरूरत है, कि जो वायदे सरकार करती है, नेता करते हैं, क्या पूरे हुए? देखिए जहाँ तक फिरोजाबाद का सवाल है, फिरोजाबाद में वाकई में विकास हुआ है। मैं पिछले विगत कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ निरंतर, और विकास हमारे लिए आवश्यक भी है और निश्चित रूप से हो रहा है। अब ये कहें कि कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, देखिए असंतुष्ट तो होंगे, और जब तक असंतुष्ट नहीं होंगे, वो मांग नहीं करेंगे, तो विकास नहीं होगा। लेकिन विकास बहुत हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, मैं कल ही गया था उस साइड में, मेडिकल कॉलेज नहीं था फिरोजाबाद में, एक सिंपल एक हॉस्पिटल था, लेकिन उसमें लगातार प्रगति होती चली जा रही है, मेडिकल कॉलेज बन गया, इसके अलावा सड़कें भी सही बनती चली जा रही हैं। विकास की जरूरत है, जैसा अभी मैडम ने कहा कि 50% नहीं, अगर हम 100 में से 100 नंबर तो कभी 100% कोई सड़क रास्ते में से आ रहा था, तो मैं देखा था कि यहाँ कुछ ना कुछ विखराब की भी स्थिति है, आप समाज सेवा से जुड़े हैं, क्या लगता है वास्तव में नेताओं में विखराब है या जनता के अंदर कुछ कमी है? मैं ये समझता हूँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, व्यवस्थाएं दे रही है, पर उसको ईमानदारी के साथ अपने स्वार्थ के चक्कर में ठीक से मैनेज नहीं हो रही। जितना पैसा आ रहा उस हिसाब से विकास नहीं दिख रहा, और विकास एक सीमित क्षेत्र में है, तो वो अवश्य होना चाहिए। और शिक्षा स्वास्थ्य ये जो बुनियादी जरूरत है, ये इन पर विशेष ध्यान देना। बिल्कुल, जो बुनियादी जरूरत है वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं 50% विकास हुआ है, लेकिन 50% विकास की बेहद जरूरत है। लेते हैं छोटा ब्रेक, के बाद फिर फिरोजाबाद की जनता से बात करते हैं, छोटे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक फिर आपका स्वागत है चुनावी दंगल में। फिरोजाबाद की जनता क्या चाहती है, जिस तरीके से आपने देखा तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अभी छुपे हैं, यानी चुनावी जब माहौल होता है तो वो मुद्दे निकल के आते हैं, और कितना परसेंट काम हुआ है ये देखने वाली बात हो रही है। लेकिन आप
जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि काम नहीं हुआ, पानी नहीं आया या सड़क नहीं बनी, क्या लगता है कि कहाँ कमी रही? देखिए ऐसा है, निष्पक्षता से अगर मानव सेवा से अगर काम किया जाए प्रतिनिधि द्वारा तो विकास दिखे। अब रही बात बंदरबांट की, तो जो भी बनता है वो अपनी सेटिंग से और पहले से ही अपना प्री प्लान तैयार करके बैठता है। आज भी जो मेयर का चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी पार्टनरी के तौर पे लड़ा जा रहा है, जिसमें पार्टी के चाहे नगर अध्यक्ष हो, चाहे शहर विधायक हो, चाहे कोई भी हो, डिटो ये पार्टनरी के तहत बंदर बांट करने के लिए उक्त चुनाव को लड़ रहे हैं। और भविष्य में इस नगर निगम का क्या हाल होगा वो इसकी जनता को, यहाँ की जनता को जब पता चलेगा, जब वो इस गलती को कर बैठेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर नगर निगम में पहुंचा देंगे, तो तब समझ में आएगा। भाजपा कहती है कि कांग्रेस तो अपनी जमीन तलाश रही है, खो चुकी है जमीन, जनता के बीच क्या वायदे करेगी जब खुद जमीन नहीं है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, हमारा तो मकान भी नहीं है, जमीन की चलती क्या है, मकान भी इन्होंने छीन लिया, घर के बेघर कर दिया। 2,27,00,000 नमामि गंगे के नाम पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसा आया था, उसकी भी आगे जो हमारी सीडीओ थी उन्होंने जांच की थी नया जैन ने, उसमें 2,06,00,000 का घपला पाया था। मैं बाप पूछना चाहता हूँ बाबा जी से, यहाँ के लोग तो सब ईमानदार है, बाबा जी उसकी वसूली कौन करेगा? आपको डीएम ने चिट्ठी लिखी थी मई 2020 में कि इसमें गलत हुआ है, ये वसूली की जाए, आज तक वसूली नहीं हुई। कौन है ईमानदार, कहाँ दिख रहा है? बाबा भी बेईमान है कि भाई बहन हिस्सा लिया उसमें, नहीं लिया होता तो उसकी वसूली क्यों नहीं आज तक? क्या लगता है फिरोजाबाद के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं, इसको कोई डाउन करने वाला नहीं दिख रहा। मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल तक ये टिकेगी नहीं पार्टी, और जो भी जिसको भी टिकट दिया है कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वही भौरी बहुमत से जीतेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये करोड़ फरोड़ों के घोटाले जो देख रहे हैं तो ये तो स्पेशलिस्ट है 156 दिन डालने में, 156 दिन डाल के मुकदमा लिखवा उनके खिलाफ। आम आदमी को, आम आदमी की बात करने वाली, आपके मुद्दे क्या है, मुद्दे को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? हमेशा दिल्ली के मुद्दे रहे हैं और यहाँ भी मुद्दे रहेंगे। हाउस टैक्स माफ रहेगा, वाटर टैक्स माफ रहेगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा, पार्क बनाए जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो दी है 15 वर्ष, उसके बावजूद हम ये चाहेंगे, मेरी अपनी सत्ता या कोई भी, वैसे तो हम बन रहे हैं, सुश्री राजकुमारी देवी बन रही है, क्योंकि इतना पटाव हो चुका है, उधर 3 प्रत्याशी, इधर 2 प्रत्याशी और भाजपा में भी क्राइसिस, तो हमारी प्रत्याशी बनेगी मेयर और यहाँ विकास होगा, जिस तरह दिल्ली में विकास हुआ उसी तरह यहाँ भी। दिल्ली की बात करते हैं, फिरोजाबाद की बात करो ना, फिरोजाबाद में क्या? मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ, इनका भाजपा वालों का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, क्योंकि पुराना नहीं पूरा कर पाए। हमने कहा है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इसके अलावा पार्कों का सौंदर्यीकरण, उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक जो हमने दिल्ली में बना के नहीं, वो हम यहाँ फिरोजाबाद में बनाएंगे। निगम के जितने स्कूल हैं, जितने अस्पताल हैं, वहाँ पर उनकी सुविधाएं बना के देंगे, जो भाजपा ने यहाँ लूट की है। 2018 में यहाँ की नगर आयुक्त थी नेहा शर्मा जी, डीएम बनने से पहले उन्होंने डीजल घोटाला उजागर किया था इनका, तो इनके डीजल घोटाले, गोबर घोटाले, नाली घोटाले, घोटालों पे घोटाला, और मोदी जी पुलवामा पर चुप है। सतपाल मलिक, घोटाले की बात चले, क्या कहेंगे आप? घोटाले की बात है, अभी अभी भाई साहब ने कहा था कि पार्टी इतनी मजबूत है, मजबूती को तोड़ नहीं सकते, पार्टी इतनी मजबूत है, मोहल्ला 11 नंबर वार्ड में अभी अभी कल भाजपा के एक सदस्य ने मंदिर को तोड़वा दिया, जो 17 साल पुराना मंदिर था, एक विधवा महिला थी जिसने उसके पति ने बनवाया था, आधा पूरा करने के योग्य था, भाजपा के नेताओं ने प्रशासन को खड़ा कर लेखपाल खड़ा कर मंदिर को तोड़वा दिया कल 11 नंबर वार्ड में। मैं यही कहूंगा कि ये लोग बीजेपी वाले, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, दिल्ली की एमजीडी का चुनाव, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, न नाली से मतलब, न शिक्षा से मतलब, न स्वास्थ्य से मतलब, केवल योगी मोदी। इनकी तो मेयर जो प्रत्याशी वो भी ये कहती है योगी मोदी वोट डाल के हमें जिताएंगे, प्रत्याशी बनाएंगे। आप क्वेश्चन करें, विकास ही विकास है, पूरी विकास ही विकास है, बताए आप, महिला सुरक्षा किसी चीज को लेके आप कुछ भी बोल लीजिए, वो मैडम सही बोल रही थी, पानी सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है, बाबा के राज्य में सब सुखी है एकदम। योगी के राज्य में कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल है, और कहते हैं कि पानी नहीं मिला, विकास नहीं हुआ, लेकिन तमाम जो नेता हैं भले ही अपने अपने वादे कर रहे हैं, जिस तरीके से बात करते हैं कि विकास नहीं हुआ, आरोप लगाते हैं आपकी सरकार रही है, कहाँ विकास नहीं हुआ, क्या इनके आंखों पर काला चश्मा चढ़ गया है, समझ गए, इनको इनकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ गया है, इनने दुनिया मोहल्ला किनारी किनारी हिला रहे हैं, एक भी क्लिनिक
सुचारू हालत में नहीं, उनका पता ही नहीं कहाँ उड़ गए, गंदगी का ढेर लगे हैं, टीन सेट उड़ गए। और मैं कहना चाहता हूँ उनसे, इनकी लोगों की तो जमानत जब्त होने वाली है, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, प्रत्याशी का आता था पता नहीं, प्रचार तो कर नहीं पा रहे हैं ये लोग। आज तक इतनी सरकारें आई हैं, किस सरकार ने जनता को इतने लंबे समय तक राशन बिल्कुल मुहैया मुफ्त मुहैया कराया है? भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसने गरीबों को राशन दिया है बिल्कुल मुफ्त, जिससे वो अपना पेट भर सके। कौन सी सरकार ने आज तक ऐसा कर दिया, किसी एक का नाम बताओ? राशन दिया सब कुछ फिरोजाबाद को। देखिए फिरोजाबाद का जहाँ तक सवाल है कि तमाम पार्टियां आपके दरमियान में है, मैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया से, मेरी महापौर बंपी किन्नर यहाँ से है, हमने वार्ड मेंबर भी लड़ाए हैं। आज तक फिरोजाबाद में इनसे तमाम से सवाल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या सपा या बसपा या कोई भी है, ये तमाम के तमाम जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुके हैं, पूरी तरह विश्वास खो चुके हैं। आप इनसे पूछिए, हमारी कैंडिडेट भी आ गई है मम्पी किन्नर, चुनावी जंगल है, चुनावी जंगल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल तो गर्म होगा, लेकिन यहाँ से मेयर की प्रत्याशी भी हैं, किन्नर समाज से हैं, तो इनका जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या मुद्दे हैं, राधे राधे किन मुद्दों को लेकर आप रही हो, वाकई बहुत समाज में क्या जरूरत है देखा जाए? समाज में बहुत जरूरत है। पहले तो मैं सबको राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, मेरी तरफ से सब देशवासियों को। मैं एक मम्पी किन्नर, जो मेरा कोई समाज नहीं, मैं बेसमाज की हूँ, लेकिन सब मेरे भाई बहन हैं जिनके लिए मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ और मरना भी चाहती हूँ इनके लिए, और देश को और विकास को लेकर मैं ये चाहती हूँ जो आज तक कोई नहीं कर सका है, शायद भगवान ने मुझे इसलिए उतारा हो जो मैं थोड़ा बहुत विकास करा सकूं। क्या विकास है आपके जहन में, क्या विकास है? मेरे जहन में है सड़कें, नाली और लाइटें, पानी की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि मैं गली गली जाती हूँ, आपको तो पता है, आपके घर खाती हूँ, आपके घर पीती हूँ, मेरा तो कोई बिजनेस भी नहीं है, सारा जीवन आप ही के यहाँ काट दिया। बिल्कुल, किन्नर समाज से हैं और प्रत्याशी हैं फिरोजाबाद क्षेत्र से मेयर की, और तमाम जो लोग हैं वो आए, क्या लगता है कि वाकई फिरोजाबाद के अंदर महिला जिस तरीके से किन्नर समाज की उतरी है, यदि समाज की बात करेंगे क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? प्रयास तो वो पूरा करेंगी, है ना, एक महिला है, वो प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी, इसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि वे प्रयास करें और सफलता उनके कदम चूमे। क्या कहेंगे आप आपके समाज से? अभी लॉकडाउन में हमारे गुरु ने बहुत बांटा था, सबके बहुत साथ करे थे, सबको उम्मीद है कि हमारे गुरु जीतेंगे। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि कई समाज के लोग इस चुनावी दंगल में हैं, चुनावी मैदान में हैं, तमाम वायदे कर रहे हैं, लेकिन जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम वायदे जनता सुन रही है, और उन वादों पर कौन कितना खरा उतरेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनावी दंगल के सफर को यही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए सारा समय का चुनावी दंगल। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद।